नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूँ। आज के एपिसोड में हमने तीन फ्लावर्स को सिलेक्ट किया है, तीन फूलों को। इनमें से आप अपनी अंतरात्मा से जुड़कर किसी एक फूल का चयन करें और अपने भगवान का, जिन्हें आप मानते हैं, उनका ध्यान करें और आप एक फूल को चुनें और देखिए कि सन 2023 में आपके साथ क्या विशेष होने वाला है, कौन सा काम बनने वाला है या कौन सी खुशी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। दोस्तों, ये रीडिंग पूरी कॉमन है और इस सन 2023 में पूरे साल लागू होने वाली रीडिंग है। अगर आपने सफ़ेद फूल को सिलेक्ट किया है, वाइट कलर को, तो बहुत ही अमेजिंग है, आपके जीवन में बहुत चमत्कार होने वाला है। इस बात की बहुत संभावनाएँ हैं कि सन 2022, सन 2021 और 20 में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही है और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपके सन 2023 में आपको एक शांति का अनुभव होगा। आपका ये पूरा ही जीवन मन से एकदम बिल्कुल शांत रहने वाला है। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इसका अर्थ है कि आपके वो सारे काम बन जाएंगे जिनके बारे में आप सोच रहे थे और आप मानसिक संतुष्टि महसूस करेंगे। आपकी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी टेंशन इस साल में खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाली एक ही बात है कि आप मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ और संतुष्ट रहेंगे। आपको कोई भी चिंता नहीं होगी। आपके पारिवारिक बहुत सारे इशू खत्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इस बात की भी संभावना है कि अगर आप भीड़ वाले जैसे इलाके में रहते हैं जहां हमेशा अशांति बनी रहती है या फिर बहुत शोर शराबा रहता है, तो आप किसी ऐसी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएं जहां शांति का वातावरण हो, शांति का माहौल हो। इसी के साथ साथ आप प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे। चलिए, अगर आपने ये नीले नंबर का सिलेक्शन किया है तो ये बहुत ही खूबसूरत नंबर है। ये सीधा सीधा देवों से जुड़ने की ओर संकेत करता है, भगवान से जुड़ने की ओर संकेत करता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। सन 2023 में आपकी मानसिक स्थिति बहुत हाईएस्ट रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। कहने का अर्थ है कि आपके जो मानसिक स्थिति है वो देवों के जैसी होने वाली है। आप बहुत ऊँची सोच रखेंगे और आपके बहुत हाईएस्ट लेवल के काम बनेंगे, छोटे मोटे लेवल के नहीं। यहाँ पर बड़े लेवल के काम बनने की ओर संकेत करता है ये नीला नंबर। साथ ही साथ ये सीधा नंबर आपकी अंतर आत्मा को पहचानने की ओर भी संकेत करता है। आप अगर किसी व्यक्ति से जुड़ेंगे सन 2023 में तो उससे आप आत्मा के स्तर पर जुड़ेंगे। इस साल आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे और ये सारे ही काम जो आपके बनेंगे वो देवों की, भगवान की कृपा से बनेंगे, क्योंकि आप भगवान से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे इस साल में। दोस्तों, अगर आपने सिलेक्शन किया है ये रेड कलर का, दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये लाल फूल का अगर आपने सिलेक्शन किया है तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि सन 2023 आपका बहुत खुशियों भरा रहने वाला है। बहुत ही हैप्पीनेस की एक जिंदगी आपको व्यतीत, एक हिसाब से बहुत खुशी की जिंदगी आपको मिलने वाली है। इस बात की संभावना है कि कोई आपका प्यार, चाहे वो खो चुका हो या नया शुरू हो, वो आपको सन 2023 में मिल सकता है। आप अपने पारिवारिक जीवन में बहुत खुशी और उन्नति महसूस करेंगे। आप बहुत ही खुश मिजाजी तरीके से अपने जीवन को जिएंगे और सन 2023 में आपको चारों तरफ से काम बनते ही दिखाई देंगे आपको, जिसकी वजह से आपको प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। लेकिन ये खुशी सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगी वो किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने से मिलेगी। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो आपका लवर ही हो। वो नया दोस्त हो सकता है, नया लवर हो सकता है या कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चा या बेबी भी हो सकता है। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।